जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, ये बच्चे आए हुए हैं मेडिकल के लिए। और ये भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। और आप? सीतापुर। सीतापुर। तो इनका इंडियन आर्मी का मेडिकल चेकअप है और इनका SSC GD का। तो पूरी मेडिकल की प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है कि इंडियन आर्मी और SSC GD में मेडिकल चेकअप किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे हाइट मेजरमेंट, जो कि आर्मी GD में 169 सेंटीमीटर और SSC GD में 170 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य। जी, पैर जोड़ लो। हाँ, सामने देखो, 174 सेंटीमीटर। सर पास से दिखा देना, आप सभी देख सकते हैं कि 174 सेंटीमीटर हाइट है भैया की। हाँ, नेक्स्ट आप आ जाओ, पैर जोड़ लो। नॉर्मली आपको इसी प्रकार खड़े होना है वहां पर, ठीक है। 175 सेंटीमीटर हाइट है, तो हाइट में पूर्णतया फिट है। इसके बाद आता है चेस्ट मेजरमेंट। तो चेस्ट मेजरमेंट में आर्मी में 77 से 82, मतलब नॉर्मल 77 और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर, और SSC GD में 80 से 85 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं SSC GD का चेस्ट मेजरमेंट करते हैं। आ जाओ, पास आ जाओ। ऐसे ही आपको इसी प्रकार से नॉर्मली खड़े होना है, ठीक है। अप 86-92, आप सभी देख सकते हैं कि चेस्ट में एकदम फिट हैं। नेक्स्ट, और इनका है 77 से 82, तो इनका चेक करने के बाद पता चलेगा कि चेस्ट कितना है ना। नॉर्मली खड़े होना है अभी, चेस्ट फुलाना नहीं, एकदम नॉर्मल। सामने देखो, नॉर्मल खड़े हो बेटा, अभी ऐसे नहीं करना है, जब बोला जाएगा तब करना है। अब डाउन, कैसे डाउन। अब 76 से 83, तो 1 सेंटीमीटर चेस्ट कम है। तो कहीं ना कहीं अगर ये पुशअप्स या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो 1 या 4-5 सेंटीमीटर चेस्ट इनका आसानी से बढ़ सकता है। तो अगला जो मेडिकल पॉइंट है वो चेक करेंगे, सबसे पहले कि सिर में कोई दाग धब्बा तो नहीं है। पासा जी, मसा है ना जी। अच्छा, कोई बड़ा ऑपरेशन, ऑपरेशन प्राइवेट पार्ट का कोई ऑपरेशन नहीं है ना, तब ठीक है। अभी क्या करना है, नॉर्मली ऐसे ही खड़े हो जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपका चेक होगा आँख का, ठीक है, फिर उसके बाद कान, आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और पैर के नाखून जो होते हैं उन पर ख़त्म होगा, है ना। तो तब तक आप उधर घूम जाएंगे। और ये बुक है कलर विजन की, है ना, आप सभी देख सकते हैं, ये है बुक कलर विजन की। इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। अगर इसमें आपको पॉइंट मिलता है तो ये तो खैर जेनेटिक पे डिपेंड होता है कि अगर आपके माता पिता के कलर विजन है तो आपके भी होगा, और इसका कोई भी उपचार नहीं है। 12 जी, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप साफ बोल देंगे कुछ नहीं। ये डिजाइन है, क्या डिजाइन है इसमें, समझ पा रहे हैं बेटा? ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि डिजाइन इसमें क्लियर नहीं बनी हुई है अभी, ठीक है। अभी हम डिजाइन दिखाएंगे। 8, 9, थोड़ा सा तेज बोलना है। हाँ, 29, 57, ये गलती नहीं करनी। जैसे 8-9 बोला ना तो फिर 29-57 ही बोलना है अगली बार से। मतलब अगर आप मेडिकल चेकअप कराने जाते हैं तो 90% बच्चे ऐसी ही गलती करते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना जी। 5, 3, गुड। 15, 91, दोबारा देखो बेटा। 73। अब आपको मैं दिखाता हूँ डिजाइन, है ना, ये देखो दिख रही है। 26 है, 42 है,
35 है, 96 है। आप इसमें आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं जी। अब इसमें क्या करना है, आप सभी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि दो क्रॉस के निशान बने हैं, उनका मतलब होता है कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई। तो ये कैसे आपको वहाँ पे करना है, ऐसे इस प्रकार से आपको उंगली फेरना है और यहाँ पे ला के ख़त्म करना है। इन क्रॉस के निशान से आप पहचान पाएंगे कि आपका पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है। हाँ, अगला वाला फेरिए। गुड, वेरी गुड। ठीक इसी प्रकार वहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आप उधर चले जाइए, आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आप तो बोल ही चुके हैं ना। थोड़ा तेज आवाज़ में बोलना है ना। 12 कुछ लग रहा है डिज़ाइन से? क्या डिज़ाइन है बताओ? कुछ नहीं है। 8, 9, 59, 57, 15, 91, 74, 2, 6 और 8, 97। कुछ नहीं होता है, मतलब कॉन्फिडेंस से एक बार में बोलना है ना। 45 और ये घबराहट नहीं होनी चाहिए। 5, 7, 16, 73 डिज़ाइन? कोई डिज़ाइन नहीं है इसमें, इसमें भी कोई डिज़ाइन नहीं, ठीक। वो मतलब अलग अलग कलर हैं बट कोई क्लियर डिज़ाइन नहीं कि आप उंगली या फिर फेर सकें या बता सकें। ये 28 दोबारा देखो। 26 हाँ। 35, 96 डिज़ाइन। इतना जल्दबाजी में नहीं बेटा, भूल गए ना, दोबारा करो, समझो पहले अच्छे से उसको देखो। ये क्या है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और ऐसे करके ये यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। और ये वाली ये अलग लाइन है, समझ गए, ये ऐसे घूम के वापस फिर इधर ही आ गई, समझ रहे हैं इस पर। हाँ चलाऊंगी, ये भी गलती कर रहे, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, थोड़ा कलर पहचानने की कोशिश किया करो, ठीक, समझ रहे हो, ये समझ गए ना। या फिर इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से घुमा के यहाँ पहुँचाओगे, ठीक है। फिर ये वाला भी ऐसे ही है, फिर उंगली। अब ये आसान था तो आप बहुत आसानी से फेर लिए है ना, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं वहाँ की जो बुक हो वो आपको आसान मिले, ठीक। तो आप सभी देख सकते हैं कि जो कलर विज़न का पॉइंट है उसमें ये पूर्णतः फिट है। अगला जो है वो है 6x6, है ना। तो अभी आपको उधर देखना है बेटा, पूरा आप उधर चले जाएंगे। अभी क्या करना है, जो पूछा जाएगा वो बताना है, ठीक है। इस टाइप का होगा ये 6x6, 6x9, ऐसे ही करके ऊपर तक है। तो नीचे वाली लाइन आपको पढ़नी होगी, वो भी थोड़े डिस्टेंस के साथ, है ना। थोड़ा आप उधर जाइए, आप इस साइड देखिए, हमारी साइड थोड़ा और आगे आ जाओ, इतना भी पीछे नहीं जाना, बस इधर ही खड़े हो जाओ। 2, 4, 6, 9, 3, 1, 8 वेरी गुड। अगर इधर ये सी बना हुआ है, इसका जो मुँह है वो किस साइड, ये भैया की तरफ है जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये नहीं, वो ऊपर है। ये वाला बताओ आपकी तरफ है, ये वाला भैया की तरफ है, ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ये आपकी तरफ है, ये नीचे की तरफ। अच्छा, ऐसे ज्यादा समझ आता है या फिर लाइट जला के? लाइट जला के फ्रेश लोग रहे हैं, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अब आप आ जाइए, आँख में तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, हाँ बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हो। 2, 4, 6, 9, 3, 1, 8 अभी क्या है कि हम जहाँ पे उंगली रखेंगे वो बताना, ठीक है। पेंसिल लग रहा है,
4 9 8 ठीक। तो आप सभी देख सकते हैं कि 6x6 का जो पॉइंट है उसमें भी ये पूर्णतया फिट हैं, ठीक है। अब आता है आँख का रोटेशन, कि आँख को रोटेट करना होता है, ठीक है। तो अभी इसको देखना है, गर्दन नहीं हिलाना है और रोटेट करना है, ठीक है। आ जाओ, वेरी गुड। गर्दन थोड़ा कम हिलाओ, फिट हो। आँख के रोटेशन के भी पॉइंट में ये पूर्णतया फिट हैं। अब आता है आपका डीएनएस। डीएनएस जानते हैं नाक का, कि नाक में नाक टेढ़ी तो नहीं है या फिर कोई उभरा हुआ मांस तो नहीं है। मुंह को खोलेंगे, आप पूरा मसाला खाते हो? नहीं। फिर इतना गंदा का है? हाँ। क्यों भाई? कुछ नहीं। कुछ नहीं खाते हो तो फिर इतना काहे गंदा? सही से पहले खोलना है ये, ई है ना, साफ नहीं करते हो फिर? यहाँ दबाते तो हो भाई तुम, तमाम को बता, अब वीडियो में नहीं बता रहे वो बात अलग है। सही बोलो, ई पता, तुम आपको दबाता कि नहीं? नहीं दबाते सर। आ तो यही क्यों गंदा है भाई? कोई बीमारी हुई थी? पैरिया सर हो सकता है। नहीं, पैरिया ऐसा नहीं होता। जवान बाहर निकालो पूरी। आ करके मुँह खुला रखना, नीचे करो थोड़ा गर्दन। चलो अच्छा, बंद कर लो भाई। दांत वाँत साफ किया करो, कोई मंजन नहीं करते ये हो सकता? मंजन तो करते हैं लेकिन ये कुछ सब कुछ करते तो ये क्यों हुआ? आ देखो भैया के दांत, ई ई जो ओठ है इनको ऊपर नीचे करो। यस, आ मरवाए हो दांत जी? आ करो, सही से खोलो बाबू, जवान अंदर खींचो। कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए दांतों तो अंदर का मेरा मतलब मरवाए नहीं है, खोला कुछ नहीं था। अब आता है कान का पॉइंट, जो कि कान के हमारे पास है मशीन, उसके द्वारा चेक किया जाएगा कि कान गंदा तो नहीं है, पर्दे पे छेद तो नहीं है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, कान जो गंदा है उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है बच्चों को, उसी में ही बच्चे ज़्यादातर बाहर होते हैं। तो ये मशीन है और इसमें कैमरा चलेगा, इसी के माध्यम से ये देख पाएंगे अपना कान। ये आप देख सकते हैं कि पूरा ये कैमरा कैच कर रहा है, ठीक है। इसको बेटा तुम ऐसे पकड़ो, ठीक है, ऐसे हम भी देखें और हल्का सा वीडियो में भी आ जाए। कान गंदा तो बहुत ज़्यादा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देख सकते हो, ठीक। कितना ज़्यादा कूट मिला है, ऐसे ही जब आप एकदम सफाई करवाओगे तो बहुत ज़्यादा होगा। देखो ये देखो, तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है, मतलब कान को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करके जाना है। अगर आप साफ़ करके नहीं जाएंगे तो रीमेडिकल मिल जाएगा, और जो कि ये पूर्णतया बिल्कुल फालतू का रीमेडिकल होगा भाई। सिंपल सी बात है, आप कहीं भी जाइए अच्छे से अस्पताल में, 250-300-500 रुपये लेंगे, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे, बाकी कोई दिक्कत कान में नहीं। गंदा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, और मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी मतलब सेना की तैयारी कर रहे हैं या फोर्स लाइन की, तो उनको नदी व नहर में नहीं नहाना है। अगर कान के अंदर पानी पहुंच गया तो वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है, जिसके कारण आपको रीमेडिकल या फिर मेडिकल में अनफिट
कर देते हैं। तो पहले तो ये देखो गंदगी साफ करते हैं, ठीक है। ये देखो आप सभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें कान में गंदगी है भाई। ये दोनों काम कर रहा है कैमरा, कान भी साफ कर देता है और लग तो नहीं रहा बेटा ठीक है। तो कान में कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्या करना है आपको, अच्छे से सफाई करना, बहुत ही अच्छे से सफाई करवाना। इसको पकड़ो, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ ऐसे ही, इस साइड जैसे वो भैया खड़े थे। ये दिखाना है इसको, ऐसे पकड़ना है, ठीक। हम देखते रहेंगे, तुम भाई खेत वेत का काम करते हो कि नहीं, उसी हिसाब की तुम्हारे में डस्ट भरी हुई है। ठीक है ना, तो इसको केवल और केवल अच्छे से साफ करवाना है, सूखी डस्ट, अपने आप मत साफ करने लग जाना, बहुत ज्यादा गंदा है। ठीक है, इसको क्या करना है, साफ करवाना है आपको भी, ठीक है। तो कान के भी पॉइंट में दोनों भैया एकदम फिट हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो अभी क्या है कि इतने से ऊपर का भाग पूरा चेक हो चुका है, ऊपर देखना बच्चा, ठीक। अब आते हैं कैरी एंगल, एकदम हाथ को ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ो, नॉर्मल जैसे खड़े होते हो या फिर जैसे चलते हो वैसे खड़े रहो, थोड़ा सा चल के आगे जाओ, वापस आओ। अरे भाई उल्टा नहीं वापस आना है, सामने से वापस आना है, आ जाओ खड़े हो जाओ, आप आ जाना। टाइम बहुत अच्छा आ रहा है तुम्हारा, है रनिंग का प्रैक्टिस अपने आप की हो या फिर पहले आर्मी के लिए दौड़े हैं ना? अच्छा आर्मी के लिए दौड़े हो, तो तुम्हारा मेडिकल भी हुआ होगा, तो उसमें हुआ था ना, तुम्हारा डॉक्यूमेंट थोड़ा क्लियर नहीं था। हाँ, उसमें कोई पॉइंट मिला था कभी? पॉइंट नहीं, नौकनी है। नौकनी है, है? ठीक है, नॉर्मली खड़े हो जाओ। बीआरओ कौन सा बच्चा तुम्हारा? बीआरओ 21 में हुआ था जो, नहीं कौन सा है यारो? यारो वाराणसी में, बनारस से, है ना, काफ़ी टफ है यारो, चल के जाना हो, चल के आना, मेरिट काफ़ी हाई जाती है ना जी। वापस आओ, तुम्हारा काय में हुआ था, मतलब बाहर किए थे? नौकनी में, खड़े हो जाओ, ठीक है। अभी क्या है कि पीछे घूम जाओ, वापस आओ, धीरे धीरे आपको डाउन होना है और धीरे धीरे अप होना है, झुकना है पूरा, अप धीरे धीरे, गर्दन डाउन करो और डाउन करो। तकिया लगाते हो? अब मत लगाना, क्योंकि तुम तकिया लगाओगे दिक्कत होगी, क्योंकि मतलब शरीर से कमज़ोर हो, उतना ज़्यादा हेल्थ है नहीं, तो ये हड्डी बहुत ज़्यादा निकल आएगी, जब बहुत ज़्यादा निकल आएगी तो बाहर कर देंगे। डाउन, आराम आराम, थोड़ा अप हो, अप हो थोड़ा, अब फिर से डाउन होना, फिर से अप हो थोड़ा, हाँ डाउन, ठीक, अप हो जाओ। तकिया नहीं लगाना है, हो सकता है तो फिर तखत पे लेटो, तखत पे लेटना नहीं लगा, हाँ तो तकिया मत लगाना। जो अगला पॉइंट है वो हम चेक करेंगे नौकनी, पैरों को जोड़ लो, रुक जाओ थोड़ा इधर से स्टार्ट करते हैं, पैरों को जोड़ो, इधर खिसक जाओ, पास आ जाना बच्चा, थोड़ा फैट होने के कारण भी लगता है नौकनी, है ना,
हाँ वैसे अभी जो देखा जाए तो अगर तुम्हारा केवल फैट कम हो जाए तो नौकनी का कोई बात नहीं। अच्छा नौकनी के लिए कोई ट्रीटमेंट किया अभी तक? नहीं सर, तो नौकनी के लिए, एक्सरसाइज ही करते हैं तो। हाँ नौकनी के लिए एक तो एक्सरसाइज हम की वीडियो भेजेंगे, और दूसरा है कि आपको वो बीच में क्या करना है, तकिया वगैरह नहीं डालना। एक ईटा लेना है, ईटा है ना पूरा, हाँ उसमें टॉवेल लपेटना है। टॉवेल आप लपेट लोगे तो थोड़ा गड़ेगा नहीं, उसको यहाँ से यहाँ के बीच रखना है, और एक टाइट पट्टा यहाँ पे और एक टाइट यहाँ पे गमछा बांध लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसको बांध के सोने से पहले रोज 1 से 1.5 घंटे पहले आपको बांधना है। भाई दिक्कत ये क्या है बताओ, एक दाग तो नहीं है? कभी कोई चोट लगी है? पता नहीं बचपन का होगा, छोड़ो धीरे कुछ छोड़ो। हो गया होगा थोड़ा, वो फोड़ा तो नहीं लग रहा है बाबू ये? जैसे होता है चिकोटो वोटा ना, मुझे थोड़ा आगे ना बच्चा, इसको पढ़ो पास आगे दिखाओ। भाई टार्स तो नहीं दिखा पाते हो, ऐसे दिखाना है। अच्छा बताओ हम इसको इतना बारीकी से बताएं कहाँ देख रहे हैं? आपने मेरी मेडिकल की वीडियो देखी है दो चार, और देखा उसमें एक लड़का था उसके 3 निपल्स थे, देखा था वीडियो? देखा, उसी का हमको डाउट लग रहा है। वो तो नहीं है? नहीं नहीं वो नहीं सर, जैसे यहाँ मेरा हुआ है ये ना, हाँ ये दागी हो जाएगा कुछ समय अच्छा के लिए, फिर अच्छा बाद में सही हो जाएगा। तब ठीक है, वही एक डर रहता है उसमें, फिर मतलब कोई वही नहीं करते। नौकनी तो है भाई तुम्हारे, पीछे घूम जाओ बहुत, अब मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गैप हो जाए, तो है बिल्कुल थोड़ा सा गैप है, लेकिन मांस ज़्यादा थाई ज़्यादा होने के कारण हाँ वो लग रहा है। ये काला दाग कैसा है यहाँ पे? हाँ लसन कुछ होता है भाई, लसन अच्छा ठीक, खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर से घूम जाओ सीधे हो जाओ, ऐसे नहीं उठाना, इधर एक पैर रखो, हाँ बस ऐसे ही रखो। अभी इसको ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओ घूम के, यहाँ से नहीं यहाँ से बेटा, लग चेंज पकड़ो पकड़ो। एक्सरसाइज नहीं करते हो करते हैं। तो फिर एक पैर पे बैलेंस का है नहीं कर पा रहे हो हैं? ठीक नीचे कर लो, बहुत बढ़िया गैप है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से इधर घूम जाना है सीधे, और पैरों का ऐसे जोड़ के खड़े हो जाओ, थोड़ा सा गैप बनाओ, थोड़ा सा गैप बनाओ पैरों के बीच, तुम भी आ जाओ ऐसे ही खड़े हो जाओ, हाथ सामने,